नमस्कार दोस्तों, दिस इज शशिकांत। आपके भी ज़िंदगी में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप हर बात किन्हीं लोगों के वजह से अपनी बात चेंज कर देते हो और अपसेट हो जाते हो, तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूँ। शायद आपको सुनकर आपकी आपके माइंड में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये कहानी एक छोटे से बच्चे की, और एक छोटा सा बच्चा, एक उसे बचपन से ही बड़ा पेंटिंग का बहुत ही शौक होता है। वो तरह तरह के पेंटिंग बनाता है, उसे डिज़ाइन करता है, उसमें अच्छे से कलर भरता है और धीरे धीरे बड़ा ही होता है, और पेंटिंग उसकी निखरती हुई बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बन रही होती है। और उसे इतना मज़ा आता है अपने काम को लेकर, अपने प्रति इतना वो कॉन्फिडेंस होता है और पेंटिंग बेस्ट बनाता है। तो कभी वो गुफे में चले जाता है, कभी सुनसान पहाड़ियों पर चले जाता है, कभी कभी वो समुद्र के किनारे बैठकर बीच पर फोटो बनाता है, पेंटिंग करता है अच्छी। तो उस दिन, एक दिन वो अपनी अपनी लाइफ की, जिसने जो भी सीखा अपनी लाइफ से, इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाता है, दिस वॉज ऑसम। और वो सोचता है कि मैं पेंटिंग में से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ, आज तक का ये मेरा पेंटिंग बहुत ही मस्त है। और उसे एक दिमाग में आइडिया आता है कि मैं जाता हूँ उसे अपने दोस्त को दिखाता हूँ। जब वो अपने दोस्त को दिखाता है, उसके दोस्त उसे एक राय मशवरा देता है, बोलता है कि तू ये पेंटिंग ले जाकर तू चौराहे पे लगा दे और उसके नीचे लिख दे, अगर आपको इस पेंटिंग के अंदर कोई कमी आ रही है तो आप टिक मार्क कर दे। इसे होता क्या है, जब वो देखता है कुछ ही शाम, जब सुबह मॉर्निंग में वो लगाता है और शाम को बाजार में देखता है जाकर उस चौराहे पर, तो उसे पता चलता है कि लोगों ने ना बहुत सारी पेंटिंग, उस पेंटिंग में ना बहुत सारे मार्क कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। सो उसे, उसको बड़ा दुख होता है क्योंकि उसने आज तक का उसका वो सबसे बेस्ट पेंटिंग होता है, सबसे बेस्ट पेंटिंग होता है, और वो ना बोलता है कि यार लोगों ने पूरा, तो मतलब मेरे पेंटिंग में कमी निकाल दी, इतनी सारी कमी निकल गई। तो पेंटिंग को घर ले जाता है और सेम उसी तरह अपने फ्रेंड को बताता है, बोलता है कि ऐसा हो गया। तो उसका फ्रेंड उसे एक और सजेशन करता है, एक और उपाय बताता है कि तू जाके ऐसा करेगा तो शायद तेरा एक और हेल्प हो जाएगा। तो बंदा वही पेंटिंग सेम तरीके से एकदम डिक्टो, जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ सेम पेंटिंग बनाता है और वहाँ पर ले जाके उसे वापस से उसी चौराहे के बीच पे लगा देता है, टांग देता है, और उसके नीचे लिखता है कि अगर आपको इस पेंटिंग के अंदर थोड़ी सी भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ उसे टिक मार्क कर दीजिए और अगर गलती है उसे सुधार दीजिए। बस ये इतनी बड़ी लाइन वो उसकी पूरी मतलब थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देती है। जब वो शाम को वापस उस पेंटिंग को लेने जाता है, तब नज़र आता है वहाँ पे किसी ने भी गलत मार्क या पेंटिंग के अंदर कोई भी कमी नहीं निकाली है। तो गाइस, इसे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में है ना, अगर हम किसी को बोल देंगे ना भाई तू ये गलती हो गई है और उसके अंदर आपने कुछ ऐसा चीज़ बना दिया है, तो आप उसके अंदर गलतियाँ पूछेंगे ना तो आपको हज़ार लोग मिल जाएंगे आपने जो चीज़ कर रहे हो ना उसके अंदर गलतियाँ निकालने के लिए, उसके अंदर आपको गलत साबित करने के लिए। बट आप जब उस बंदे ने क्या किया, उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि अगर इसके अंदर कोई कमी है तो प्लीज़ उसे सुधार दे, तो किसी ने भी नहीं सुधारा, किसी एक बंदे ने भी नहीं टच किया, वो पेंटिंग वैसी की वैसी थी। सो गाइस, ये शशिकांत कहता है कि आपकी लाइफ में ना अनेक लोग आएंगे, बहुत ही ज़्यादा लोग आएंगे आपको ज्ञान देने, आपको बताने कि ये गलत कर रहे हो, मगर जब उन्हीं से आप आंसर मांगोगे ना तो आपको गलत, मतलब वो खुद ही गलत होंगे, उन्होंने कभी वो फेस ही नहीं किया होगा। या फिर ऐसे ऐसे आप खाना कितना भी बना लो, जो लोगों का काम है खाना, अरे यार इसमें ये कम डाल दिया, वो कम डाल दिया, ये ऐसा डालना चाहिए था, ये वैसा करना चाहिए था, जब एक बार आप खुद वो चीज़ करने जाओगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि घर में खाना कैसे बनता है। पहले मेरी मॉम को मैं भी ऐसे ही, क्या मम्मी कुछ खाना क्या बना दिया आपने, और क्या मतलब अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं आता, सब्जी वैसी की वैसी डेली का डेली सेम प्रोसेस। तो रियली बता रहा हूँ, रियली ट्रोली बता रहा हूँ कि व्हेन आई केम इन ओमान हियर, और जब खुद का फूड, व्हेन आई एम मेकिंग माय फूड एट माय ओन, तब रियलाइज़ हुआ कि व्हाई आई एम टेलिंग टू माय मॉम कि ये गलत है। जो भी था सब सही है भाई, बिकॉज आज के टाइम पे व्हाटएवर आई एम मेकिंग एवरीथिंग इज़ राइट।
मैं किसको बोलूँ, बिकॉज वॉट इज माई मेक वो मैंने खुद से बनाया ना, सो आई कैन नॉट ब्लेम टू एनी वन कि ये गलत है, किसको बोलूँ भाई, बिकॉज दैट फूड वॉज मेड मी। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी जो आपके भी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो प्लीज़ डोंट ब्लेम टू अदर एंड सपोर्ट कीजिए। खाना अगर घर में अच्छा नहीं बन रहा है तो सपोर्ट कीजिए, मम्मी इसमें एक कमी है, मगर उसको थोड़ा बाद में ऐसा करके अच्छा कर सकते हैं हमको, और सुधारने की कोशिश कीजिए। और जिस तरह वो पेंटिंग पे आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, उन सबको इग्नोर कीजिए और आपका जो काम है, आपका जो पैशन है, उसे पूरे पैशन के साथ कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी।